हेलो एवरीवन, मेरा नाम लवप्रीत सिंह है और आज से मैं इस चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फिजिक्स बाय एचसी वर्मा। और इसमें मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा फिजिक्स के सभी टॉपिक्स की इन ए इमेजिनेटिव वे, और देखना आप लोग इस जर्नी को फुल ऑन एंजॉय करने वाले हो। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स है हमारे आसपास की साइंस, जो हमारे आसपास कुछ भी हो रहा है वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई लॉ उसमें लग रहा है, ठीक है, उसी की स्टडी को हम बोलते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई चीज़ लर्न नहीं करनी पड़ती है, आपको सिर्फ इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है। इमेजिन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सो इसका एक एग्जांपल मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कुछ दिनों पहले मैं किसी बस से जा रहा था, तो बस में क्या हुआ कि एक पर्सन जो था, जैसे मान लो कि बस का डोर है, ठीक है, इस बस का डोर है, तो यहाँ पर एक सीट थी, एक पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। जब एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है तो उस टाइम क्या था कि दरवाज़ा खुला हुआ था, तो दरवाजा खुला हुआ तो हवा अंदर की तरफ आ रही थी, तो उसको लगा कि दरवाजा बंद करना पड़ेगा क्योंकि उसको खुद को दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने यहीं से बैठे बैठे उस दरवाजे को क्लोज करने की कोशिश की। दरवाजा कैसा था कि ऐसे उसको धक्का लगा के फिर बंद होता था वो, तो उसने क्या किया, वो ऐसे फोर्स लगा रहा था दरवाजे के ऊपर, ऐसे लगाकर ऐसे दरवाजे को बंद कर रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिजिक्स तो अप्लाई नहीं हुई उसमें, तो दरवाजा भी नहीं बंद हुआ उससे, तो वो वहीं पर हार कर वहीं बैठ गया, उसको लगा कि दरवाजा बंद ही नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या था कि दरवाजे को उसको परपेंडिकुलरली फोर्स लगानी थी, ना कि ऐसे फोर्स लगानी थी। अब फोर्स लगाना और थ्रस्ट लगाना दोनों में बहुत फर्क होता है। थ्रस्ट क्या होती है, ऐसी फोर्स जो परपेंडिकुलरली हम किसी सर्फेस पर लगाएं, ठीक है। अब उसको सिर्फ इतना सा काम करना था कि थ्रस्ट लगानी थी, ना कि फोर्स लगानी थी। जो वो इतनी देर से फोर्स लगा रहा था ना, वो वेस्ट जा रही थी उसकी, क्यों, क्योंकि फोर्स जा रही थी दरवाजे की इस तरफ, जो कि इसको दबा बंद नहीं कर रही थी, ठीक है। दबाना था, बंद करना था, तो उसके लिए इसको परपेंडिकुलरली फोर्स लगानी थी, यानी कि थ्रस्ट लगानी थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारे आसपास, ठीक है। उसी बस में एक इंस्टेंस और हुआ, ठीक है। उस इंस्टेंस में क्या था कि जैसे हम जा रहे हैं तो रास्ते में एक फ्लैग था, वो फ्लैग फ्लटर कर रहा था। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि फ्लैग्स फ्लटर क्यों करते हैं, ठीक है, फ्लैग्स फ्लटर क्यों करते हैं। इसका आंसर आया बर्नौलीज थ्योरम से, सो इसको भी हम बाद में करेंगे। सो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो से हमें जर्नी स्टार्ट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।